देश का प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में जाता है तो 60 लाख बच्चों का जो भविष्य बर्बाद हुआ पुलिस भर्ती के नाम पर उत्तर प्रदेश में, उसकी चर्चा नहीं करता। देश के प्रधानमंत्री जब चुनाव प्रचार में जाते हैं तो गुजरात के अंदर जो पेपर लीक के कारण नौजवानों का भविष्य बर्बाद हुआ उसकी चर्चा नहीं करते। देश के प्रधानमंत्री हरियाणा के नौजवान के साथ जो विश्वासघात होता है उसकी चर्चा नहीं करते। महाराष्ट्र के नौजवान के साथ जो भ्रष्टाचार होता है उसकी चर्चा नहीं करते। देश के प्रधानमंत्री कभी मुगल की बात करते हैं, कभी मुसलमान की बात करते हैं, कभी मटन की बात करते हैं, कभी मछली की बात करते हैं, कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी मुजरा की बात करते हैं। शर्माती है भारत के प्रधानमंत्री को, नौजवानों की चिंता नहीं है। तुम्हारे अंदर अगर चिंता खत्म हो गई है तो अभी तक तुम तो 240 पे पहुंचाया है, इस देश की जनता फिर से तुमको 2 सीटों पर पहुंचाने का काम करेगी। नरेंद्र मोदी जी, चिंता करो नौजवानों की। आप सोचिए, ये नीट के भ्रष्टाचार को, इसके घोटाले को, इसके पेपर लीक को आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। साथियों, आप मुझे बताइए, 23,33,000 बच्चों ने इस नीट के एग्जाम में अपनी शामिल हुए, वो 23,33,000 बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया और वो नीट का एग्जाम देने के पहले उन्होंने कोचिंग किया, परिश्रम किया, मेहनत किया, दिन रात पढ़ाई की, नीट का एग्जाम दिया। पूरे देश में कुल 1,00,000 बच्चे प्राइवेट और सरकारी दोनों मिलाकर सेलेक्ट होते हैं डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए। और आपको जान के हैरानी होगी, 67 बच्चों का 720 अंक आ गया। ये एग्जाम में घोटाला क्या है जरा समझ लेना, 67 बच्चे एक साथ टॉप कर गए, यानी कि 720 नंबर 1, 2, 3, 4 बच्चों का नहीं, 67 बच्चों का 720 नंबर आ गया। 67 के 67 बच्चे टॉप कर गए। लोग हैरान हुए, ये कैसे हो सकता है, 67 बच्चों का एक साथ टॉप कैसे कर गए। फिर और जांच हुई तो पता चला, एक ही कोचिंग सेंटर के 6 बच्चे जिनको 720 अंक मिला, 6 के 6 टॉप कर गए। फिर और पता चला, और जानकारी मिली तो गुजरात की एक लड़की है, उसको फिजिक्स में मिला 1 नंबर। मीडिया वाले भी ध्यान से सुन ले, उस लड़की को मिला, उस छात्रा को मिला फिजिक्स के एग्जाम में 1 नंबर। लेकिन नीट के एग्जाम में जो इतना कठिन एग्जाम होता है, इतनी कठिन परीक्षा होती है, उसमें 720 अंक मिल गया, 720 अंक मिल गया। ये नीट का एग्जाम मोदी सरकार का भ्रष्टाचार है, ये नीट का एग्जाम मोदी सरकार के पेपर लीक का घोटाला है, ये नीट का एग्जाम शिक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले एनटीए के अधिकारियों और राज्य सरकारों में जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, ज्यादातर उन लोगों ने मिलकर इस देश के लाखों बच्चों के साथ, करोड़ों लोगों के साथ, उनकी जिंदगी और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। इसलिए ये नीट का एग्जाम पूरी तरीके से रद्द होना चाहिए और फिर से एग्जाम कराया जाना चाहिए। सबसे ज्यादा बधाई देना चाहता हूं जो यहां अभी मंच पर आकर हिम्मत और साहस दिखाया, बिहार के जितेंद्र कुमार ने, जो एक दुखी बेटी के दुखी पिता है, मैं चाहता हूं उनके साहस के लिए एक बार आप लोग जरूर ताली बजाइए कि उन्होंने इतनी हिम्मत की कि कम से कम आज इस जंतर मंतर के ऐतिहासिक स्थान पर आकर अपनी पीड़ा देश के प्रधानमंत्री को पहुंचाने का काम किया। कि जो देश के करीब 24 लाख बच्चों के साथ इस बार हुआ है वो एक बहुत बड़ा धोखा है।
अच्छा ठीक है, जो लोग मेडिकल की तैयारी कर चुके हैं वे लोग जानते हैं कि प्री मेडिकल टेस्ट एमबीबीएस के कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जो टेस्ट लिया जाता है उसमें 12वीं के बच्चे हिस्सा लेते हैं, करीब आप समझ सकते हैं 16 साल 17 साल 18 साल की उम्र के लड़के लड़कियां इस एग्जाम को देते हैं और 16-16 घंटे 18-18 घंटे की तैयारी दिन की करते हैं। एक ही सपना होता है कि किसी तरीके से एमबीबीएस के अंदर एडमिशन हो, डेंटल कॉलेज में एडमिशन हो, आयुर्वेदिक कॉलेज में एडमिशन हो और वे लोग डॉक्टर बन सकें। हिंदुस्तान के डॉक्टर, हिंदुस्तान के स्पेशलिस्ट, इनकी बहुत भारी डिमांड है। दुनिया भर के अस्पतालों में, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, यूके हो, सब जगह भारतीय डॉक्टरों की एक बड़ी डिमांड मानी जाती है। मगर पिछले कुछ दिनों से जो सिलसिलेवार अलग अलग राज्यों से खबरें आ रही हैं, गुजरात में गोधरा से खबर आई, उत्तर प्रदेश से खबर आई, बिहार में पटना से खबर आई कि 5 मई को जो नीट का एग्जाम था उससे एक दिन पहले अलग अलग राज्यों के बच्चों का, जिनका सेंटर पटना के पास था, उस सेंटर के अंदर नीट एग्जाम से एक दिन पहले बच्चों को सेफ हाउस में लाया गया, यानी कि एक ऐसी जगह उन बच्चों को इकट्ठा किया गया जहां पे उनका किसी और से कोई कम्युनिकेशन ना हो, उनसे फोन ले लिए गए, एक दिन पहले क्वेश्चन पेपर देके उनकी तैयारी कराई गई, उनको अपनी गाड़ियों में बिठा के एग्जाम सेंटर तक ले जाया गया, उनको एग्जाम दिलाया गया और उसमें से बहुत सारे बच्चे नीट क्वालिफाई कर गए, नीट का एग्जाम पास कर गए। ये बात बिहार पुलिस ने कही है। 30 लाख से 50 लाख तक रुपया लिया गया नीट के क्वेश्चन पेपर को देने के लिए। गुजरात के गोधरा में जो हुआ वो उससे भी आगे निकल गया, जहां पे एग्जामिनेशन सेंटर था उस एग्जामिनेशन सेंटर के डिप्टी सुपरिटेंडेंट इस भ्रष्टाचार में शामिल थे। उन्होंने बच्चों को कहा, जिन जिन बच्चों से पैसे लिए गए उनको ये कहा गया कि अगर आपको कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन का आंसर ना आता हो तो उसको खाली छोड़ देना, ताकि बाद में टीचर वहां पे उस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आंसर शीट को भर के दे दे। ये मामला भी गुजरात से सामने आया और इसमें भी लाखों रुपए बच्चों के मां बाप से लिए गए। मेरा मानना है कि केंद्र सरकार सब कुछ जानती है और इतने बड़े भ्रष्टाचार को छिपाने की दिन रात कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरह से आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 साल के शासन में कभी इस राज्य में पेपर लीक हो गया, कभी हरियाणा में पेपर लीक हो गया, कभी यूपी में पेपर लीक हो गया, कभी बिहार में पेपर लीक हो गया, कभी राजस्थान में पेपर लीक हो गया, लेकिन आज नीट के एग्जाम के पेपर लीक के जो घोटाले की कहानी देश के सामने आई है वो इस बात को दर्शा रही है कि देश की जनता ने जिस तरह से अपना संदेश भेजा भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के संरक्षण में जिस तरह से ये घोटालेबाजों का नेटवर्क चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर सबक लेने को तैयार नहीं है। आज पूरा देश इस बात की मांग कर रहा है, देश के सारे छात्र सड़क पर है, सारे नौजवान सड़क पर है, गार्जियन सड़क पर है और इस बात को कह रहे हैं कि इस घोटाले की जांच कराई जाए, जो नीट का एग्जाम है दोबारा कराया जाए,
सरकार लीपापोती कर रही है। मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा, आपने उनके भविष्य के साथ भी सौदा कर लिया है। किस प्रकार से एक ही सेंटर के दर्जन भर से ज्यादा बच्चे फर्स्ट रैंक हासिल करते हैं और देश के शिक्षा मंत्री कहते हैं ये बहुत सामान्य सी घटना है। कोर्ट इस विषय पर संज्ञान लेता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय कड़ी टिप्पणी करता है, तमाम लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन दुख का विषय है कि केंद्र के अंदर एक अपंग सरकार के तौर पर अनपढ़ों के नेता की जो सरकार आई है उसे देश के भविष्य की कदा भी चिंता नहीं है। उनको हर विषय पर बोलने का समय है, लेकिन देश के लाखों करोड़ों बच्चे जिन्होंने मेहनत कर अपने गरीब माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए दिन रात पढ़ाई करी और अंततः उनकी पढ़ाई भी घोटाले क्या शिकार हो जाती है। और मेरी बेटी के साथ ये लगातार ये स्कैम की घटना 3 साल से हो रही है। जब मेरी बेटी को 20 में एग्जाम दी थी उस टाइम में उसको 300 समथिंग नंबर आया था, तो हमने सोचा कि अगले नेक्स्ट ईयर इसको अच्छा नंबर आएगा, हम इसको मेडिकल में या कहीं और भेज सकते हैं। उस टाइम में हम उसको डेंटल में कहीं भेज सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि ठीक है आगे देखते हैं। 21 में मात्र उसको 11 नंबर आया, जो OMR आया उसमें मदर के नाम में डिफरेंस था, जो बच्चा अपना मदर का नाम लिखता है OMR में वहाँ ओवरराइटिंग था, दूसरे का लिखा गया था। और रोल नंबर ये होता है वहाँ भी टेम्परिंग था, और जितना क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया था वो भी उस पर नहीं था और मात्र 11 नंबर आया। सेम चीज ही घटना बिहार में हमारा सेंटर था बेटी का गया में वहाँ हुआ। हमने सोचा कि बिहार में ऐसे ऐसे लोग हैं जो ये काम करते रहते हैं। नेक्स्ट ईयर हमने अपना सेंटर वेस्ट बंगाल ऑफर किया और वेस्ट बंगाल में हमने जब दिया तो फिर मेरे साथ यही घटना हुई। OMR सीट में मेरे बेटी के उस टाइम में भी नाम में मदर और फादर के नाम में और प्लस जो जितना भी टेम्परिंग था जितना अटेम्प्ट किया गया था सारा मिटाकर मात्र 11 नंबर उस टाइम में भी आया। क्या ऐसा हो सकता है कि एक लड़का जो DAB से प्रोडक्ट हो और CBSE का प्रोडक्ट हो और यही दिल्ली में रहकर कोचिंग कर रहा हो उसके बावजूद उसको उसके पहले वाला साल में 300 समथिंग आए और नेक्स्ट ईयर में 11 नंबर आए, फिर 11 नंबर आए, ऐसा कदापि संभव नहीं है। और सारा टेम्परिंग का प्रूफ जो OMR में मेरा आया था वो मेरे पास अवेलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर मेरी बेटी डिप्रेशन में चली गई और जो स्कोर कार्ड आया था फाड़ दी उसने और हम लोग किसी तरह उसको उसका उसके जीवन को बचाए। इसके बाद नेक्स्ट ईयर हम लोग उन्हें कहा कि ठीक है इस बार फिर दो, हो सकता है कि कहीं कुछ बात हो आगे सुधार हो जाए। हमने 23 में भेज दिया, 23 में भी वही हाल हुआ, सेम 11 नंबर आया और स्कोर कार्ड मेरे पास OMR उस इस बार जो 23 का OMR एकदम ठीक ठाक स्कोर और जो जितना क्वेश्चन की थी उसमें मिटाया गया था और जो क्वेश्चन उसने नहीं की थी उसको उसमें दिखाया गया था। इसका मतलब कि हमारे OMR का एक्सेस NTA के पास है या गुंडों के पास है, पता नहीं किसके पास है, ये ऐसा कैसे हो सकता है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।